हाउ टू कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। आप कोई भी फील्ड में भी हो, आपको सक्सेस पाने के लिए आपको डे बाय डे रूटीन के वाइज आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस पा सकते हो, उस ऊंचाई तक जा सकते हो। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत होती है जो हम नहीं कर पाते। हम करते क्या है, गलती कहाँ करते हैं? पॉइंट वन, शॉर्ट टर्म प्लान। जी हाँ, छोटा प्लान हम क्या करते हैं। मान लो आज हमने प्लान किया कि आज से अगले एक साल तक मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा। आज से एक साल तक, मतलब हम आज से एक साल का प्लान बना लिया, तो होता क्या है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीसरा दिन फिर से आप नॉर्मल लाइफ में आ गए, जिसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, तो हो नहीं पाता। अगर आप प्लान को इतना बड़ा कर लोगे, आपके टाइम को इतना बड़ा कर लोगे, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। तो छोटा छोटा प्लान बनाओ, एक दिन का प्लान बनाओ, उसके बाद 7 दिन का, उसके बाद 15 दिन का, उसके बाद 30 दिन का, ऐसे छोटे छोटे स्टेप से अगर आप जाओगे तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने लाइफ में, अपने काम में कंसिस्टेंट रह सकते हो और सक्सेस को पा सकते हो। दूसरा पॉइंट, वन प्लान एट ए टाइम, एक ही वक्त में एक ही प्लान बना। हम करते क्या है इस प्लान में ना, क्या करते हैं हम, मुझे गिटार का शौक है, मैं आज गिटार भी बजा लूंगा, बुक्स भी पढ़ूंगा, आज पूरा दिन एक अच्छे डाइट पे रहूंगा, बिजनेस का काम कर लूंगा, ऑफिस का काम कर लूंगा, सारे प्लान मैंने बना लिया लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो करना क्या है, एक ही वक्त में एक ही काम को अपने पूरे फोकस के साथ करो। गिटार बजानी है, पूरे फोकस के साथ बजाओ। पढ़ाई करनी है, उसी वक्त पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करो। जो भी काम कर रहे हो एक ही वक्त में पूरे फोकस के साथ करो। अगर एक काम को पूरे फोकस के साथ आप कंप्लीट कर दोगे, तो आपको जो सारे काम है पूरे फोकस के साथ हो जाएंगे। कंसिस्टेंट होने का और एक भी मतलब है कि जब आप अचीव करने लगोगे, तो खुद से आप ये बता पाओगे कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं डेली करूँगा, और जो डेली रूटीन को फॉलो करूँगा वही मेरा कंसिस्टेंट है, मेरा कंसिस्टेंट लेवल वही से बढ़ेगा। अगर आप एक ही प्लान में फोकस करके उसको पूरा कर पाओगे, तो आप दूसरे दिन सोचोगे कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करूँगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक ही वक्त में एक ही प्लान को पूरी फोकस के साथ कंप्लीट करो, तो देखोगे आपके सारे प्लान अपने आप ही कंप्लीट हो जाओ। तीसरा पॉइंट, थिंक योर हार्ट लेस एंड फॉलो योर माइंड मोर। अपने दिल की कम सुनो, दिमाग की ज्यादा करो। 90% लोग क्या करते हैं कि अपने दिल की सुनते हैं। अपने दिल की सुनने से होगा क्या, हमारा दिल जो है, हम इंसान हैं, आलस आ जाएगा तो हमें दिल, हमारा दिल हमको ये कहेगा कि नहीं तुम रुक जाओ, आज नहीं होगा, आज रेस्ट कर लो। उसी वक्त आपके दिमाग आपको ये कहेगा कि नहीं, तुम्हारे लिए ये काम अच्छा है, तुम करो। अगर आप अपनी उसी वक्त अपने दिमाग का सोचोगे, दिमाग की सुनोगे, तो आप सक्सेस पा सकते हो। जो दिल की सुनेगा वो रेस के पीछे रह जाएगा। जो स्मार्ट पर्सन है, जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो हमेशा अपने दिमाग की सुनता है। प्रपोजल काम के लिए, प्रपोजल डिसीजन के लिए दिल की सुनो, और लॉजिकल काम के लिए अपने दिमाग की सुनो। जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलते हैं। जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे, तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। चौथा पॉइंट, कंसिस्टेंट इज बोरिंग। जी हाँ, खुद विराट कोहली भी कहते हैं कि कंसिस्टेंटली मैं एक ही चीज को डेली डेली करना मुझे बोर लगता है। वो कहते हैं लेकिन वो बोरिंग चीज को डेली करते हैं, इसीलिए वो दुनिया का एक नंबर क्रिकेट प्लेयर है।
कंसिस्टेंटली अपनी बोरिंग चीज़ों को करते रहते हैं, हम कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन से एक बहुत ही अच्छा लेसन ले सकते हैं कैसे वो लोग क्या करते हैं। हर सुबह उठते हैं, वही रनिंग, वही स्किल, वही ट्रेनिंग डेली डे बाई डे वो करते रहते हैं। वो जितना करेंगे उससे वो ज़्यादा अच्छा उभर के आएंगे, इसीलिए वो करते रहते हैं। आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, अगर उसको करते रहोगे तो खुद से बेहतर होने लगोगे, सक्सेस ज़्यादा पा सकोगे, तो आप कंसिस्टेंट लेवल बढ़ा सकोगे। इसे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, आपका प्लान को सेट रखना है, छोटा रखना है, छोटे छोटे पीरियड के हिसाब से आप अपने प्लान को रखो। एक ही वक्त में एक ही प्लान के बारे में सोचो, उसको पूरी फोकस के साथ करो। और जो लॉजिकल है वो आप दिमाग से सोचो, जो प्रपोजल है वो अपने दिल से सोचो। दिमाग की इसीलिए ज़्यादा सोचो क्योंकि मेहनत करने के लिए ज़्यादा अपने दिमाग कहता है, दिल हमेशा रेस्ट करने के लिए है कि तुम थक गए हो, रेस्ट कर लो। इसीलिए मेहनत करना है तो दिमाग की सोचो, दिमाग की सुनो, करते रहो। कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग होती है, हम इंसान हैं, एक ही चीज़ को हम अगर बार बार करेंगे तो हमें बोर आएगा, लेकिन वो काम अगर हमारे लिए अगर अच्छा है तो बोरिंग चीज़ को आप करते रहो। आपको पिज्जा, बिरयानी, फास्ट फूड अगर 3 महीने तक या 1 महीने तक 3 टाइम दिन में खाने को दिया जाएगा तब भी आप बोर हो जाओ, ऐसे होते हैं हम इंसान। इसीलिए जो तुम्हारा अच्छा है, जो तुम्हारा अच्छा काम है, अब तुम सक्सेस पाना चाहते हो तो वो चीज़ को भी अपना हैबिट बनाओ। सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हैं कि वो सालों से उस काम को करते रहते हैं, इसीलिए उनका हैबिट हो गया है। हम लोग क्या करते हैं ना, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3rd दिन मन नहीं है, छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हमारा हैबिट बन नहीं पाता है। हैबिट बनाने के लिए शुरुआत के दौर में थोड़ा मुश्किल आएगा, माइंड में ये आएगा, मुश्किलात लगेगा कि नहीं अब नहीं हो रहा, उसी वक्त आपको करते रहना है सारे काम, तो आपका हैबिट हो जाएगा और आप सक्सेस पा सकते हो, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने लाइफ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर चाहते हो मैं वीडियो करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कहो। Keep smiling.